अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सुमैरा अनवर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिज़नेस न्यूज़ प्रोग्राम करंट बिज़नेस अफेयर्स। नाज़रीन, इस वक्त हम कराची के मकामी होटल में मौजूद हैं और यहां हमारे साथ बहुत ही अहम शख्सियत जनाब अज़हर हुसैन, जैन फर्म लाइफ साइंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमें बताएंगे आज की 5th इंटरनेशनल एस्थेटिक कॉन्फ्रेंस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी ये हमारी एक्चुअली डर्मेटोलॉजी की यहाँ पे सोसाइटीज़ पाकिस्तान में काम कर रही हैं। एक हमारी पैड की सोसाइटी है, पाकिस्तान डर्मेटोलॉजिकल एसोसिएशन, उसमें अराउंड अबाउट उसे कोई अराउंड 34 ईयर्स हो गए हैं। लेकिन अब पिछले कई सालों से जो एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी है ये भी डोमिनेट कर रही है, तो ये पार्ट्स के नाम से हमारी जो एस्थेटिक क्या सेटअप है उसमें अब ये 6th इसकी कॉन्फ्रेंस है। इसमें माशाल्लाह ओवरऑल जो इंटरनेशनल डॉक्टर्स हैं एस्थेटिक के वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और लोकल पूरे पाकिस्तान से डॉक्टर्स जो हैं अवेलेबल होते हैं और वो यहाँ पे एस्थेटिक की वर्कशॉप्स भी होती हैं, ट्रेनिंग्स भी होती हैं और जो कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो वो सारी की सारी जो हैं वो इस लिहाज से इन अपने पोर्ट्स को भी प्रमोट करती हैं। तो जैन फार्म पोर्ट्स जो हैं इनको ये सारे एस्थेटिक के डॉक्टर्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जैन फार्म क्वालिटी पोर्ट्स प्रोड्यूस करती है और जैन फार्म में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि क्वालिटी और इकोनॉमी दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। जैन फार्म लाइफ साइंस के बारे में जी, जैन फार्म लाइफ साइंस जो है ये 2013 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने लॉन्च की थी और मेरा चूँकि जी 11 साल इस कंपनी को हो चुके, लेकिन ओवरऑल डर्मेटोलॉजी में मुझे अराउंड 33 ईयर्स हो गए हैं। तो लाइफ का एक बड़ा हिस्सा डर्मेटोलॉजी में गुजारने के बाद मैं चूँकि स्टिफिल एक मल्टीनेशनल कंपनी थी यूएस बेस्ड, उसमें मैंने 20 ईयर प्लस सर्व किया, तो वो ट्रेनिंग जो है वो मेरे काम आई कि मैंने जब जैन फार्म लॉन्च किया तो इसमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के उन्हीं को सामने रखते हुए अपनी पोर्ट्स जो हैं वो डेवलप किए और जैन फार्म लाइफ साइंसेस के प्लेटफॉर्म से इस टाइम राउंड अबाउट 24 पोर्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। और अब गुड न्यूज़ ये है कि जैन फार्म लाइफ साइंसेस जो है ये जैन फार्म ग्लोबल भी रजिस्टर्ड होगी हमारी इंटरनेशनल, अब हमारी पोर्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनली भी इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ वो भी अवेलेबल होंगी। आपके जो साहबजादे हैं वो भी इसी बिजनेस में? जी, मेरे बेटे ने माशाल्लाह लम से मास्टर्स के बाद वो भी जैन फार्म का पार्ट बन गए और जैन फार्म जो हमारी सोशल मीडिया का सेटअप है, जैन फार्म की जो हमारी ऑनलाइन सेटअप है उसको वो ओवरऑल लुक आफ्टर करते हैं, तो वो पूरी टीम जो है माशाल्लाह उन्होंने डेवलप की है। ये उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था कि जैन फार्म की प्रोडक्ट्स जो है वो हर घर में पहुँचे, तो अब ये इंटरनेशनल जैन फार्म भी जो है उसको भी वही लुक आफ्टर करेंगे इंशाल्लाह। आपकी जो जैन फार्म लाइफ साइंस है वो लाहौर बेस्ड है बेसिकली? जी, लाहौर हमारा हेड ऑफिस है, लेकिन हमारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के हर स्मॉल टाउन में अवेलेबल हैं, तमाम अच्छे मेडिकल स्टोर जो हैं पूरे पाकिस्तान में हर जगह उन सब पे हमारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जी हमारी, और आने वाले वक्तों में, अभी तो इंटरनेशनल अवेलेबल नहीं है, आने वाले कुछ महीनों के बाद इंटरनेशनल भी अवेलेबिलिटी शुरू हो जाएगी। आप माशाल्लाह इतने रेनॉल्ड बिजनेसमैन हैं, 100 CEOs में आपका नाम भी आता है, तो बिजनेस के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस जी, बिजनेस के हवाले से डेफिनेटली प्रोफेशन कोई भी हो, मैं ये समझता हूँ कि बिज़नेस में जब आप आते हैं तो आपको वही काम करना चाहिए जो आपको आता है। तो जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि ये डर्मेटोलॉजी की फील्ड का मेरा 20 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस था, तो मैंने इसी डर्मेटोलॉजी की फील्ड को अपने बिज़नेस के हवाले से भी चूज़ किया, तो ये इसी में स्टडी भी किया हुआ था, तो यही सबसे बड़ी हमारी जो सक्सेस स्टोरी है उसमें यही चीज़ हमारे लिए सबसे बड़ी जो है मेन कारामद हुई कि हमने क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके दी और जो इंटरनेशनली ऐसी प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी हमने वो प्रोडक्ट्स भी पाकिस्तान में प्रोड्यूस करके लोगों को दी। और अल्हम्दुलिल्लाह जैन फार्म के प्लेटफॉर्म से ये भी एक एडवांटेज है कि हम माशाल्लाह बहुत शॉर्ट स्पेल में जैन फार्म ने पाकिस्तान में बहुत अच्छी प्रोग्रेस की और मैं फ़ख्र से ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो CEO क्लब है उसमें मतलब मैं अमंग 100 CEOs जो बेस्ट परफॉर्मिंग CEOs हैं उसमें मेरा जो लास्ट ईयर
जो है उसका हुआ तो उसकी साल जी 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 बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब अज़हर हुसैन को इनकी एक मेहनत है, काविशें हैं इस कंपनी के लिए, जैन फार्म लाइफ साइंस के लिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सुमैरा अनवर को, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, अल्लाह ने गिवान।